तो हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग? आज आ चुके एक नया वीडियो लेके, और ये वीडियो ना ही कोई बाइक राइड होने वाला है, तो ये वीडियो सिर्फ होगा एक न्यू एक्शन कैमरा लिया हम लोगों ने, क्योंकि गोप्रो का तो अभी बजट था ही नहीं मेरा, तो इसीलिए एक एक्शन कैमरा लिया है। चलिए दिखाते हैं कौन सा एक्शन कैमरा है और काम कैसे करता है, क्या क्या फीचर्स है इसमें। तो यह है SJ का 10 Pro। मैंने ये एक्शन कैमरा लिया क्योंकि गोप्रो 30-40 हज़ार का आता है, तो उतना बजट नहीं था मेरा, इतना ही बजट था तो मैंने ये लिया है। आप लोग भी ये ले सकते हो, बजट में आएगा और बढ़िया कैमरा ही है SJ। तो ये SJ का 10 सीरीज़ है। इससे भी लो रेंज में आता है SJ Legend 6 और SJ 4000 आता है, वो भी बढ़िया, लेकिन उससे वीडियो क्वालिटी मुझे सबसे बढ़िया लगा इसका। इसमें क्या क्या आता है मैं सबसे पहले आपको दिखा देता हूँ, इनबॉक्स क्या क्या आता है इसमें। आता है कैमरा, आता है एक माउंट, आता है और एक बेस माउंट आता है, एक फ्रेम आता है, स्क्रू आता है, USB केबल आता है, और ये फ्लैट माउंट आता है, और दो स्टिकर्स आते हैं। और इसमें क्या क्या फीचर्स हैं, इसमें 4K 60 FPS सपोर्ट करता है। आप लोग देख पा रहे हो या नहीं मुझे, हाँ देख पा रहे हो, 60 FPS आता है 4K पे। और ये वाटर रेजिस्टेंट 10 मिनट्स है। इसमें 1300 mAh का बैटरी है, 2.33 IPS टच डिस्प्ले है इसमें, और सबसे बढ़िया चीज़ है इसमें आप लाइव स्ट्रीमिंग कर सकते हो डायरेक्ट, और जायरो स्टेबिलाईजेशन भी इसमें है, देख लीजिए, या किसी को पढ़ना है तो स्टॉप करके पढ़ लीजिए। और इसमें iOS कनेक्टिंग और एंड्रॉयड कनेक्टिंग दोनों अवेलेबल है, इसमें दोनों पे ऐप मिलता है, आप ऐप से भी कनेक्ट कर सकते हो इसको मोबाइल में। ठीक है, इसको अनबॉक्सिंग करते देखते हैं अंदर क्या क्या मिलता है। इसके अंदर सबसे पहले आपको कैमरा मिलेगा, कुछ ऐसा ऐसा कैमरा मिलेगा, और इस साइड आपको माउंट वाउंट सब मिलेगा। चलिए, तो ये आ गया कैमरा कुछ ऐसा देखने में। उसका जो फ्रेम है, फ्रेम के साथ ही आता है ये पूरा अटैच्ड। तो कैमरा को सर रखते हैं साइड में और देखते हैं क्या क्या है। ये बॉक्स है, इस बॉक्स में आप लोगों को जैसा बात था कि माउंट माउंट मिलेगा, तो इसमें ये कैप आता है जो कैमरा का लेंस ढकने में काम आता है, ऐसे इसको भी रखते हैं साइड में और देखते हैं क्या क्या है। तो बैटरी आया है, और इसको मैंने पहले से अनबॉक्सिंग करके रखा था, तो ये बैटरी आया और दो माउंट माउंट्स आए, ये रहे माउंट्स, और दो तीन सामान थे तो वो लगता नहीं था मुझको, तो मैंने वो दोस्त को दे दिया। और इधर एक गाइड बुक आता है और कुछ नहीं आता, गाइडेंस बुक आता है। ये गाइडेंस बुक भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसी में स्कैनर आता है, ये स्कैनर आता है, ये स्कैन करके आप ऐप डाउनलोड कर सकते हो। तो इसको भी रखते हैं साइड में, आप कैमरा को देखते हैं। तो कैमरा कुछ ऐसा है, तो ये आपको पहले हटाना पड़ेगा बैटरी इंस्टॉल करने के लिए इसमें। तो इधर जो आप देख रहे हो ये लेंस के ऊपर वाला पोजीशन, यहाँ पर ठीक यहाँ पर तीन उंगली, ऐसे तीन उंगली को ठीक इस जगह पे फंसाना पड़ेगा आपको, तो देख पा रहे हो, आपको ठीक यहाँ पर ठीक इस जगह पे तीन उंगली ऐसे फंसाना है, ठीक ऐसे मैं जैसे पकड़ रहा हूँ, और इसको ऊपर पुश कीजिए, थोड़ा प्रेशर देके ऐसे पुश किए, ये खुल गया, इसको ऊपर कीजिए, इसको डाउन, और सामने से थोड़ा पुश कीजिए हल्के हाथों से, और ये कैमरा निकल आएगा। तो कैमरा दिखने में कुछ ऐसा है, बैटरी इनसाइड करने के लिए यहाँ पर जो काला एक स्विच टाइप का दिख रहा है आप लोगों को, इसको प्रेशर कीजिए ऐसे उंगली से और सामने पुश कीजिए, ये खुल गया, और कैमरा का जो ये तीन प्लस माइनस वाला है इसको अंदर देख लीजिए किस तरफ है, और इसको उसी तरफ डाल दीजिए ऐसे धीरे से, और थोड़ा पुश कर दीजिए, फिक्स्ड हो गया, और इसे सामने ऐसे करके पीछे पुश कीजिए, लॉक हो गया। अब कैमरा को ऑन करने के लिए स्विच, इस स्विच को ऐसे पुश कीजिए, पकड़ के रखिए,
ये कैमरा आपका ऑन हो गया। तो इसमें एचडी कार्ड नहीं है, मैंने अभी तक एचडी कार्ड नहीं लगाया, तो लगाएंगे। तो ये कैमरा देख लेते हैं इसका स्पेसिफिकेशन, तो इसमें क्या क्या हो सकता है। वीडियो कैमरा, वीडियो लैप्स, स्लोमो, फोटो, फोटो लैप्स, ब्रस्ट मोड, वीडियो प्लस फोटो मोड, कार मोड, लाइट, सब कुछ है। वीडियो मोड पे देख लेते हैं कितना कितना रेजुलेशन एक्सेप्ट करता है। तो 4K जैसे था, 4K 60fps, 4K अल्ट्रा 30fps, 2.7K 30fps, 1440 पे 60fps मिलता है, 1080 पे आपको 120fps, 1080 अल्ट्रा पे 60fps, 720 पे आपको 240fps मिलता है हाईएस्ट। तो 220fps पे आप स्लोमो एडिट करना चाहते हो तो 720fps पे 240fps ठीक रहेगा। और देख लेते हैं, और सेटिंग्स पे ऐसे कुछ नहीं है, इधर लैंग्वेज, वाईफाई ऑन ऑफ करने के लिए। और मुझे भी उतना कुछ ज़्यादा मालूम नहीं है क्योंकि मेरा फर्स्ट एक्शन कैमरा ये है, मैंने उतना पहले कुछ यूज़ नहीं किया है, तो मुझे भी उतना कुछ पता नहीं। अब धीरे धीरे जैसे पता लगेगा इसके बारे में मैं आपको जानकारी देता रहूँगा। तभी तो नया ही है, यूज़ करूँगा फिर पता चलेगा कैसा होगा। तो लास्ट में आप लोगों को कुछ शॉर्ट्स भी दिखने मिलेंगे इसके, कि इसका वीडियो क्वालिटी कैसा है, कैसे आते हैं, कुछ मिलेंगे आपसे। तो यही यूज़ करूँगा मोटो व्लॉगिंग में, आगे जाके देखते हैं जब चैनल थोड़ा अपग्रेड होगा, चैनल थोड़ा बढ़ेगा, तब जाके GoPro लेंगे, अच्छा सेटअप लेंगे। और मेरा फुल सेटअप वीडियो कुछ दिन बाद आएगा, ये वीडियो छोड़ने के कुछ हफ्ते या महीने बाद ही मैं अपना फुल सेटअप वीडियो भी छोड़ूंगा। तो ये रहा कैमरा, और फिलहाल तो इसी से वीडियो बनाऊंगा अभी। अभी जो वीडियो बना रहा हूँ ये फ़ोन है, ये फ़ोन भी नया लिया है, तो इसका फुल सेटअप वीडियो मैं कुछ दिन में बना दूंगा। और एक चीज़, आपको अगर इसमें तो आपको जो फ्रेम है इसमें तो आपको हेलमेट में लगाने के लिए इसके अंदर ही डालना पड़ेगा, फिर आप हेलमेट में लगा पाओगे, नहीं तो डायरेक्ट ये कैमरा हेलमेट में सेट नहीं होगा। तो उसके चलते जब इसे ऑफ़ कर लेते, पहले ऑफ़ करने के लिए भी यही स्विच पकड़ के रखिए, और ऐसा आएगा ऑफ़ हो गया, तो पकड़ लीजिए आप इसे अंदर डालते हो, तो इसका यहाँ पर चार्ज करना हो तो इसको पकड़िए, ऐसे पुश कीजिए और ये खुल गया। सेम आप जैसे बैटरी डालते हो, बैटरी खोलते हो, वैसे सेम है ये सीन भी। तो अब यहाँ पर जो आप देख रहे हो टाइप सी यूएसबी का, यहाँ पर ही आपका लगेगा माइक, और यहाँ एचडी कार्ड, ठीक से देख लीजिए। तो आप अगर इसको ऐसे लॉक करके इसमें डालते हो, इसके अंदर, तो सीन कुछ, एक मिनट, ये लॉक नहीं हुआ, इसे ठीक से लॉक करना पड़ता, नहीं तो हो गया। अब इसे अगर पकड़ लीजिए, इसको हम इसके अंदर डालते हैं ऐसे, इसको लॉक करने के लिए इसको ऐसे पीछे करके ठीक इस जगह फंसा के इसे थोड़ा सामने पुश कीजिए, लॉक हो गया। तो यहाँ पर माइक लगाने के लिए आपको ये जो चीज़ है, खोल के फिर से दिखाते हैं, ये चीज कोई नहीं बोलता, इसको पुश कीजिए सामने, ऐसे स्विच पकड़ के सामने पुश कीजिए, ये खुल गया। अब इसके बाद इस चीज को आप लोगों को हटाना पड़ेगा, तो बहुत वीडियो देखोगे आपको बोलेगा पूरा कैमरा खोलो, ये करो, वो कर लो, फिर इसे खोलना पड़ेगा, या कोई बोलेगा कि एक फ्रेम ले लो नया वाला, कुछ नहीं करना, बस इस चीज़ को ऐसे ओपन करो, पीछे जस्ट ऐसे पीछे पुश, ये खुल गया, ये ऐसे खुल गया। अब इसे आप इसके अंदर डाल लो ऐसे, देख लो हो गया, ये रिमूवेबल है। तो फिर इसको लगाना है तो क्या करना पड़ेगा आपको, इसको लगाने के लिए कुछ नहीं, ऐसे करके इसको इस चीज़ को ऐसे, यहाँ पर जो पिन है ना, पिन के पास लेके जाओ ऐसे, दो चीज़ थोड़ा पुश करो ऐसे, पीछे से लगा के
ऐसे से पकड़ के सामने ले जाके पुश हो गया, फिर से लग गया ये, देखो। तो ये ऐसे काम करता है। अब जब भी माइक लगाना हो इस फ्रेम में या हेलमेट में तो इसे आपको रिमूव करना पड़ेगा, नहीं तो नहीं कर पाओगे। तो चलिए लास्ट में आप कुछ शॉर्ट्स देख लीजिए इसके, इसका वीडियोस देख लीजिए कुछ, तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि ये कैसा कैमरा है। मेरे ख्याल से बेस्ट है ये, आप जो बजट में एक एक्शन कैमरा ढूंढ रहे हो उसके लिए बेस्ट ये रहेगा। और मैं इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप नीचे जाके इसको ऑर्डर कर सकते हो अमेज़ॉन से या फ्लिपकार्ट से, मैं दोनों का लिंक दे दूंगा, जहाँ से आपको कम में मिले वहाँ से खरीद लो। ठीक है, चलो। यही ख़त्म करते हैं अपना वीडियो, और आगे जाके फुल सेटअप वीडियो भी लाएंगे पूरा, कि क्या क्या मैं यूज़ करता हूँ, कितने का बजट आया मेरा, सब कुछ लाएंगे। तो उसके लिए इंतज़ार कीजिए, और आज का वीडियो यही ख़त्म करते हैं। चलिए मिलते हैं आपको एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।